ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी दिन की शुरुआत दवा खा के होती है, लोग आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस एक आंवला लेना होगा, थोड़ा सा तिल के दाने लेने हैं और इस उपाय को करिएगा, आपके यहाँ से बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर होगी। बहुत ही ध्यान से सुनते जाएँ और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप सामान को नोट करेंगे, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको काला तिल दिख रहा होगा। तो एक चुटकी काला तिल ले लेना, उस एक चुटकी में चाहे तो 11 दाने आ जाए, चाहे 20 दाने आ जाए या फिर 100 दाने आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चुटकी काला तिल लेना। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से एक आंवला की। ये टाइम जो चल रहा है, ये वेदर चल रहा है, ये सीजन जो चल रहा है, ये आंवले का है, तो आपको बहुत आसानी से आंवला मिल जाएगा। एक आंवला ले लेना। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से बेल के गूदों के पेस्ट की। कहोगे भैया ये कैसे बनाएंगे, किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाना, उनसे कहना भैया हमें सूखा बेल दे दो, वो आपको सूखा बेल दे देंगे। इस सूखे बेल को पानी में गला लेना, गलाने के बाद उसको मिक्सी में या फिर सिलबट्टे पर कहीं पर भी पीस लेना, अच्छे तरीके से पीस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेना। जैसे पेस्ट तैयार करते हैं किसी चीज़ की, वैसे पेस्ट तैयार कर लेना। ठीक है, तैयार हो गया। अब देखो, फिर इस तरीके से एक कलश लेना। हमें तांबे का लोटा इस उपाय में नहीं लेना है, हमें इस तरीके से स्टील का ही लोटा लेना होगा। इस स्टील के लोटे में क्या करोगे, आपको भरना होगा जल। ठीक है, कहाँ तक भरोगे, यहाँ तक आपको जल भरना है, और उसके बाद जितना बचा भाग है उसमें आपको डालना होगा कच्चा दूध, वो दूध जो गैस पे ना रखा गया हो, गर्म ना किया गया हो, वो कच्चा दूध डाल देना। अब देखो इसमें और कौन कौन सी चीज़ों को डालना है, मेरी बात सुनना। जो मैंने आपको काला तिल दिखाया, वो एक चुटकी आपको इसमें काला तिल डाल देना होगा, और जो मैंने एक आंवला आपको दिखाया, उस एक आंवला को भी डाल देना है। अब यहाँ पर मेरी बात सुनना, जो इसका पेस्ट आपने तैयार किया है, इस पेस्ट को इस कलश में आपको नहीं डालना है। ठीक, बात आई समझ में? अब देखो क्या करोगे, अब इस पूरे कलश को अपने हाथ में उठाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो, जो भी व्यक्ति बीमार हो, उसके हाथ से एक बार उस कलश को स्पर्श करा देना, कह देना कि इसको आप छू लो। ठीक है, उसको छुला देना। छुलाने के बाद क्या करोगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में स्वस्थ हो, जिसको कोई दवा की जरूरत नहीं, जो बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, उस व्यक्ति के 21 बार आपको उस कलश को लेकर के घुमाना होगा। ठीक है, बीमार व्यक्ति को टच कराने के बाद जो भी व्यक्ति आप घर में स्वस्थ है, उस स्वस्थ व्यक्ति के 21 बार सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, सर से पैर तक आपको उस कलश को लेकर आपको उवार लेना होगा, घुमा लेना होगा। ठीक, घुमाने के बाद आपको लेकर के चले जाना होगा महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो यहां पर पहुंच करके सबसे पहला काम क्या करोगे, जो आपने बेल के गूदे को पीस करके पेस्ट तैयार किया है, उस पेस्ट का लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको करना होगा, जितनी अच्छे तरीके से आप लेपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो लेपन कर दिया आपने। अब लेपन करने के बाद जो कलश आपके हाथ में है, उस कलश का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। लेकिन किसका नाम, कौन सा मंत्र बोलना है, अब सारी बातें यहीं पे है, मेरी बात ध्यान से सुनना। लेकिन वो कौन सा मंत्र है बताऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, कौन सा मंत्र है ये देखो आप। मैं इस मंत्र को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं इस टाइम पे बेड पे बैठा हूं, ऐसे किसी मंत्र को हमेशा पढ़ा नहीं जाता है। तो इस मंत्र का आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक करके किसी कॉपी लेके पेन लेके नोट कर लो। ठीक है, सब कुछ कर लिया आपने। इस मंत्र का उच्चारण करते करते आपको क्या करना होगा, एक लोटा शुद्ध जल है, मतलब जो आप अपने साथ जल लेके आए हो घर से स्टील के लोटे में, वह आपको यहां पर समर्पित करना है। मंत्र एक बार आप फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना हो नोट कर लो। इस मंत्र को जो भी व्यक्ति जल को जिस तरीके से मैंने बताया है समर्पित कर देता है, दूध तिल आंवला डाल करके, उसके घर की जो भी बीमारी होती है धीरे धीरे करके हमेशा के लिए खत्म जरूर होती है। मानता हूं आपकी बात कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर बनी है, लेकिन आप सभी को समझाना बहुत जरूरी था। अचानक से इस वीडियो को मुझे मिला, तो मुझे लगा आप सबको जरूर बताना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कॉमेंट में पूछें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।